हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारी असाइनमेंट के नंबर अंक तालिका में न दर्ज होने को लेकर कैंपस में हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्र संघ के नेता अंकित सुंदरियाल ने बताया कि इससे पहले असाइनमेंट के नंबर दर्ज करने को लेकर विश्वविद्यालय के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं, मगर उनकी बात पर विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई, जिसके बाद आज से यह छात्र कॉलेज कैंपस में ही धरने पर बैठ गए हैं। अगर जल्दी छात्र छात्राओं की इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे अपने अनिश्चितकालीन धरने को यूं ही जारी रखेंगे। जैसे कि आप मेन मुख्य समस्या देखेंगे, हिंदी विभाग में बच्चों के असाइनमेंट 1-2-3 बार जमा करने के बावजूद भी उनके रिजल्ट में एब्सेंट आया गया है, जिसकी जिम्मेदारी ना आप डायरेक्टर सर ले रहे हैं ना विभाग ले रहे हैं, सब अपने जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। तो हमने कुछ दिन पूर्व डायरेक्टर साहब के साथ मुलाकात की थी, बैठक की थी, जिसमें हमने बोला था अगर आप इसमें कुछ फैसला नहीं लिया जाता तो हम सोमवार से यहाँ पर हड़ताल शुरू करेंगे, और अगर आगे भी इसमें कोई मतलब कि रिजल्ट नहीं आया तो ये हड़ताल ऐसी ही जारी रहेगी जब तक कोई परिणाम हमारे सामने आ नहीं जाता। परसों हमने कुलपति महोदय के ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हमने परिसर निदेशक से यह कहा है कि जल्दी बच्चों के अगर असाइनमेंट के नंबर बच्चों को नहीं मिलते हैं तो उसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। यह सीधे देखने की बात यह है कि बच्चों ने जब ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रखे हैं, ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रखे हैं, तो ये गलती किसकी है? ये गलती असल में विभाग की है, और अगर बच्चों का 1,000 रुपये फीस भी भरनी है तो वो विभाग भरे। जिस विभाग की वो गलती है वो 1,000 रुपये हम चाहते हैं कि विभाग भरे, वरना बच्चे भरने के लिए राजी नहीं है। हम इसी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बच्चेती की रिपोर्ट।